गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। तो आज हम जा रहे हैं दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे पहुंचोगे कैसे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। वहां से आपको बस लेनी पड़ेगी जो कि आपको त्र्यंबकेश्वर तक छोड़ देगी। त्र्यंबकेश्वर से आपको ऑटो या फिर शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल तक। अब ये वाटरफॉल हरिहर फोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। आप मैप में देख सकते हो, राइट में हरिहर फोर्ट है और लेफ्ट में दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल है। तो आप एक दिन में दोनों जगह भी कवर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा हरिहर फोर्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है। अब रास्ते की बात करो तो मेन रोड से जब तक आप आ रहे हो तब तक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही आराम से पहुंचोगे। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट टर्न ले लोगे हरियर फोर्ट और दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल के लिए, वहां से रास्ता थोड़ा खराब होना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो कोशिश करो कि आप ज्यादा बारिश में ना जाओ और अपनी गाड़ी आराम से चलाओ। तो अब हम पहुंच चुके हैं दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल की एंट्रेंस एंड पार्किंग के पास। तो हमने अपना टू व्हीलर पार्क कर दिया, उसका चार्ज था 30 रुपीज, तो वो खड़ी। तो उधर ये बंदा रहता है अपना, काटता है पर्ची वर्ची। और गाड़ी ला सकते हो तो गाड़ी लेके आ जाओ, ठीक है। टू व्हीलर लाना तो टू व्हीलर ला जाओ। और अब इस तरह से जाएंगे तो यहाँ से रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल के पास। जो मैंने आपको गेट दिखाया, उस गेट से बस सीधा सीधा आते रहना, 1 किलोमीटर के आसपास आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। तो रास्ता कुछ इस तरीके का आपको मेरे आसपास दिख रहा होगा कि कैसा रास्ता है। पूरे में पानी पानी है, बारिश का मौसम है, रेन कोट पहना हुआ ऊपर से नीचे तक। और काफी लोग मतलब पीछे भी आ रहे हैं, एक और ग्रुप है जो पीछे से आ रहा है हमारे, हम सबसे आगे अभी। तो ये रास्ता जा रहा है, बस हमें सीधा सीधा चलते जाना है और हम पहुंच जाएंगे 1 किलोमीटर बाद अपने वाटरफॉल के पास। तो थोड़ी दूर चलने के बाद आपको राइट साइड में एक स्टॉल और एक छोटा सा टेंट दिखेगा। इसी के साइड में आपको एक दूसरा एंट्री गेट दिखेगा दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल के लिए। तो इसके आगे अब घना जंगल शुरू होने वाला है। अब ये हमारा मेन रास्ता शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना ज्यादा घना जंगल है। तो हमें इसी के बीच से जाना है और आगे तक मतलब 800 मीटर या फिर 500 मीटर के आसपास हमें पूरा का पूरा इसी के अंदर जाना है। तो ध्यान से जाना क्योंकि काफी बहुत ज्यादा जंगल, तो ये बहुत खतरनाक जंगल लग रहा है मेरे को। तो बस मेन तो है जल्दी से वाटरफॉल के पास पहुंच जाए, क्योंकि अब मुझे आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है वाटरफॉल की, पानी गिरने की बहुत ही दूर से आवाज़ आ जाती है। तो जब हम दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल की तरफ आते हैं तो इसकी एंट्री पे ही आपको पार्किंग दिखेगी, जहाँ के चार्जेस टू व्हीलर के 30 लिए हैं, बाकी शायद फोर व्हीलर के 40 या 50 हो सकते हैं। अब इसी के राइट साइड में यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है और एंट्री का जो चार्ज है वो है 60 पर पर्सन। तो एक बंदे के 60 रुपीज लगेंगे और पार्किंग के आपके 30 लग जाएंगे। तो टोटल उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके कितने बंदे जा रहे हो, कितना चार्ज आपका लगेगा। मेरे हिसाब से तो ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, क्योंकि वाटरफॉल भाई बहुत ही प्यारा है। रास्ता यही है जैसा आपको दिख रहा है ना पीछे, यही रास्ता है, बस इसी पे चलते आना। तो अभी हमने ये वाला रास्ता खत्म कर दिया जो पत्थर वाला रास्ता था, और अब यहाँ पे ही थोड़ा सा आप आगे आओगे तो प्लेन एरिया है और थोड़ी सी बैठने की एरिया है, और यहाँ पे एक स्टॉल है। अगर आपको यहाँ पे खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। और यहीं से ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से ही मुझे क्या दिखना शुरू हो चुका है, यहीं से ही मुझे वाटरफॉल दिखना शुरू हो चुका है। और उसका इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फ्लो है, बहुत ही एग्रेसिव फ्लो है। इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। लाइफ में पहली बार मैंने इस टाइप का वाटरफॉल देखा है जो कि इतना प्यारा है और इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। तो मैं हूँ अभी दुग्गरवेड़ी वाटरफॉल। तो अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, हम उस साइड से आए हैं और अब उस साइड से हम नीचे जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई थी वहीं से हम अब राइट साइड आ चुके हैं। और यहाँ से अब हम नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के साइड में। अब जहाँ पे वाटर फ्लो आ रहा है नीचे, जहाँ वो बह रहा है, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम वाटरफॉल को ऊपर से देख पा रहे थे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। साइड में ये रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि रेलिंग के बाहर नीचे बिल्कुल खाई है, और खाई से बचने के लिए यहाँ पे रेलिंग लगाई है, और इसी के साइड से हम चलते चलते नीचे पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि हमें वाटरफॉल को पास से देखना है। पास से देखने के लिए हमें काफी जंगलों के बीच में से जाना पड़ता है, फिर नीचे आपको नदी के पास पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद नदी को पार करके हम वाटरफॉल के पास तक जाएंगे। अब यहाँ से वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा है, रास्ता अच्छा होगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रास्ता खराब होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब वहां से आगे आके आपको कुछ इस टाइप का रास्ता मिलेगा। मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से आ सकते हो। मतलब ये नॉर्मली वाटरफॉल वाला रास्ता है जहाँ से पानी बहता है ज्यादा बारिश के टाइम पे, तो ये रास्ता जा रहा है। आराम आराम से जाना, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल ट्रैक मिल सकता है अगर आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि अभी हम नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के पास, तो फिर हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो बस आराम आराम से जाते हैं नीचे, और नीचे पहुँच के आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल और जो नदी है इसके सामने वाली। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, आराम आराम से आना पड़ेगा। यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, तो निकलता हूँ आपके निकलते हमें ये पेड़ पकड़ना पड़ेगा, अब हम नीचे जा सकते। वाटरफॉल के पास, मतलब एग्जैक्ट वाटरफॉल के नीचे तो नहीं आया हूँ, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फ्लो है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना तेज फ्लो है। अब इस फ्लो में हम आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। एक पॉसिबिलिटी कि हम लेफ्ट साइड से जा सकते हैं थोड़ा 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 करके, बट उसमें भी काफ़ी रिस्क है कि अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हम सीधा पानी के अंदर, और ये पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर हम जाएंगे और गिर गए तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो मैं अभी आगे जाने का रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ से ही शूट करके वापस ऊपर की तरफ चला जाऊँगा। तो ये था आज के ब्लॉग में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये था मैं नासिक में दुर्गावड़ी वाटरफॉल, जो कि बहुत प्यारा है और आपने देखा कितनी ऊपर से गिरता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके प्लीज़ देखो। और अब आप इस व्यू को एंजॉय करो। We'll be right back.